लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। टीम इंडिया ने रविवार को मुंबई के वांखेड़े स्टेडियम में तीसरे व अंतिम T20 इंटरनेशनल में श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज में श्रीलंका का 3-0 से क्लीन स्वीप किया। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 135 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 19.2 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। एमएस धोनी 16 रन और दिनेश कार्तिक 18 रन बनाकर नाबाद रहे। धोनी ने विजी चौका लगाया। 136 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। केएल राहुल को 4 रन पर दुश्मंथा चमीरा ने LBW आउट किया। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए, लेकिन शनाका की गेंद पर वो गलत पुल शॉट खेल बैठे और कुसल परेरा ने 27 रन उनका आसान कैच लपका। यहां से श्रेयस अय्यर 30 रन और मनीष पांडे ने तीसरे विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी करके टीम इंडिया की स्थिति संभालने की कोशिश की, मगर तभी मनीष पांडे के स्ट्रेट ड्राइव पर श्रेयस रन आउट हो गए। पांडे ने जो शॉट खेला तो गेंदबाज अकेला धनंजय का हाथ लगा, तब अय्यर क्रीज से बाहर थे। जल्द ही हार्दिक पांड्या 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्हें शनाका ने विकेट कीपर निरोशन दिकवेला के हाथों कैच आउट कराया। फिर 29 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 32 रन बनाने वाले मनीष पांडे भी धनुष्का शनाका की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद धोनी और कार्तिक ने टीम इंडिया को जिताकर ही दम लिया। श्रीलंका की तरफ से दासुन शनाका और दुश्मंथा चमीरा ने 2-2 विकेट लिए।